सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना करती है कुणाल का इस्तेमाल चौहान फैमिली के लिए अपने रिवेंज प्लान में। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना चौहान परिवार की तरफ दिन ब दिन अगेंस्ट होती जा रही है। पहले तो वो अपनी बहन को लेकर उनसे नाराज थी और अब बिजनेस में भी उसके साथ नंदकिशोर ऐसा कर रहे हैं कि मेघना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। यहाँ मेघना को दादाजी ने कंपनी का वॉइस प्रेसिडेंट बनाया है और कुणाल मेघना के लिए बहुत खुश होता है। उसको उसकी नई बिगनिंग के लिए उसे बहुत सारी बधाइयाँ देता है और उसको इस नई बिगनिंग के लिए कुणाल एक कार भी गिफ्ट करता है। दोनों काफी खुश होते हैं और दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट भी शेयर होते हैं। लेकिन मेघना को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि नंदकिशोर ने सिर्फ दादाजी की बात रखने के लिए उसको डमी वॉइस प्रेसिडेंट बनाया है और वो उसको रियल में कुछ काम नहीं दे रहे हैं करने को। लेकिन मेघना जल्दी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वो कभी भी लाइफ में अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नंदकिशोर जो उसके साथ कर रहे हैं वो भी डिसाइड करती है कि वो उससे इसका बदला जरूर लेगी और वो कुणाल को यूज करती है चौहान के बिजनेस सीक्रेट जानने के लिए। मेघना बहुत ही स्मार्टली अब चौहान परिवार और उनके बिजनेस के अगेंस्ट अपनी चाल चलने वाली है। अब देखते हैं कि मेघना अपनी चाल में कामयाब हो पाती है या नहीं। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना करती है कुणाल का इस्तेमाल चौहान फैमिली के लिए अपने रिवेंज प्लान में। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना चौहान परिवार की तरफ दिन ब दिन अगेंस्ट होती जा रही है। पहले तो वो अपनी बहन को लेकर उनसे नाराज थी और अब बिजनेस में भी उसके साथ नंदकिशोर ऐसा कर रहे हैं कि मेघना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। यहाँ मेघना को दादाजी ने कंपनी का वॉइस प्रेसिडेंट बनाया है और कुणाल मेघना के लिए बहुत खुश होता है। उसको उसकी नई बिगनिंग के लिए उसे बहुत सारी बधाइयाँ देता है और उसको इस नई बिगनिंग के लिए कुणाल एक कार भी गिफ्ट करता है। दोनों काफी खुश होते हैं और दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट भी शेयर होते हैं। लेकिन मेघना को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि नंदकिशोर ने सिर्फ दादाजी की बात रखने के लिए उसको डमी वॉइस प्रेसिडेंट बनाया है और वो उसको रियल में कुछ काम नहीं दे रहे हैं करने को। लेकिन मेघना जल्दी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वो कभी भी लाइफ में अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नंदकिशोर जो उसके साथ कर रहे हैं वो भी डिसाइड करती है कि वो उससे इसका बदला जरूर लेगी और वो कुणाल को यूज करती है चौहान के बिजनेस सीक्रेट जानने के लिए। मेघना बहुत ही स्मार्टली अब चौहान परिवार और उनके बिजनेस के अगेंस्ट अपनी चाल चलने वाली है। अब देखते हैं कि मेघना अपनी चाल में कामयाब हो पाती है या नहीं। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।